हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं बीडी कॉमेडी चिरकुट बाबा की लेटेस्ट वीडियो, ठीक है? और इसका टाइटल बड़ा लंबा है यार, मुर्गा के महक से झिंगना से भइल, हवा खातिर बाका से मार काटा, बुढ़ावा मुर्गा के लिए भइल पागल। ओके, मतलब यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा है ऐसा कि मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। और देखते हैं, वीडियो शायद देख के समझ में आ जाए कि क्या है ना। और इनकी मैंने एक पहले भी वीडियो की हुई है, उसका रिएक्शन भी। और यार, अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है, जाकर देखना। मतलब एक अच्छा मैसेज दिया है उस वीडियो में, फ़नी तो है ही, साथ साथ में एक अच्छा मैसेज भी दिया हुआ है, तो वो अच्छा लगता है मतलब वीडियो में, ठीक है? तो चलो यार, ये वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और फिर देखेंगे भाई इस टाइटल का क्या मतलब है उसमें। मतलब मुझे यहाँ तो नहीं समझ में आया है, लेकिन वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये, ठीक है? तो चलो यार, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। जल्दी आओ पानी भर के, 10 घंटा लगाएंगे पानी भरने में। बाबूजी क्या कर रहे हैं अंदर? एकदम कर 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 24 घंटा ये हो के बाबू जी को तू पर मिला सर। तो क्या बची ना यार? आज पूरा मदर है, पूरा लाइफ मदर। किसका बाबूजी? काम से गलती कर लिया तब ना कहो। किसका बाबूजी? अरे अरे ओ यार, घबरा मत, यही जो 70-80 पूरा सार लाइफ न रही बास न बाजी बसुर। क्या कर रहे हैं ये? गन्ना चुराने बाबूजी। घबरा मत, खून फेंके बचार बचार कहो बाबू जी। रात में क्या है ये? क्यों गुस्से में है? पूरा लाइफ इंडिया देखा हो भैया, झिंगना का मटर रोका जाता पूरा खून खून भाई, अपन झोला झक्का लोग बांधला नहीं तो बाढ़ आने वाली है। हां, मैं तो सबकी देह को खून छटके लगी। बोले बाल का मतलब बा का नहीं है, का नहीं कहे बताओ का नहीं है, कहे भेजा था हम का जाना था के एलर्जी है तो भेज रखा है। अरे बोले अरे बताई बकर कहना की कहे भेजल है? महाराज हम कहे भेजल है? हमारे बस का बात हूँ मच्छर और मासी की भेद तोरी तुम्हारे। डंडे से भी उसको तेज कर रहे आ रही। क्या बेचले बेचले बाबू जी तू अरे राव, अबे इसको कोई मेंटल असाइलम भेजो यार। अरे हमें क्या कमालू कहा तो भेज दे, हम क्या भेज दे, हमें खुदे ना पता है।
ससुर झगड़ा कब हो रहा है? अरे शांत बैठा हम लोग खुद नहीं पता प्रधान जी क्या मोबाइल है नहीं प्रधान जी अपन फोन पूछा इनसे कौन तुम्हें भेज दिले का भेज दिले चल पहले कोई पूछ बे हमरे के ना गिले तो तंदूरा मेरा उन्हें चला दे मत बोल यार तो के नोचा पूरा चमड़िया में तिन काटब गवा मऊ बाबा से बोलाओ थी बंदूक बंदूक ले क्या इतना तो अरे बंदूक हमरा पीछा बोले हां यही निकल पता चले जब रोना लगवा ना के चल पाड़ा जी सा तो पता चले ए बोरिया लगल में भाग गेले और देखत ना हतरी समान में काटे तो दोनों समान अरे उनका बधिया कर चले खटिया को बधिया कौन हमारे बाप को का खटिया तो किसी के तो बाप का है ना बाबूजी और जो प्रधान जी का खटिया वा ए का तो लोग बैठ कर लेला डेली का डेली झगड़ा करेला लोग हमारा घर का है भेजल हम है वो सेलर जी का बेगल भेजला ही पूछा से क्या भेजला क्या भेज दिया पूरा पता कि का भेजा ने का भेजा करे अरे महाराज हमको पोते ना का भेजा नहीं बस बस बाबूजी बस जाना धवा के फिरंगी खानदान के सबसे खतरनाक लवंडा 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 ना गुंडा आ गुंडी यही गुंडी हो भाई पुरनिया है भाई कोनो गलतियों कह दे तो सुनी ना तोले काल लग गई लाइन का भेजले दे लाइन के अरे तो हमार का चलो भेजला कैसे भेजला कैसे अरे हमार का चलो तो पूरी घर भेजले का भेजला कैसे तू भेजले कैसे अरे हाँ तू कहे हम कहे तोरी घरे तोरे बाप का काटब मुड़ी तोरे माई का काटब तोरे पूरा खानदान का काटब की पूरा तो पता चल गया पा जाई सिपाहिया का काटबा ना सिपाहिया के ना काट पाई काए बढ़िया रहना तो से ना बेटाई अच्छा है दादा संतरा भैल काका भेजले भैया के अरे महाराज हमके पते ना का भेज दे सुबेरस को तब का भेज दे का भेज दे तेरे को क्या पतवाई की रहेगी रे हरामी बेसुरा सीट पे ऊपर ये ना पता अंदर लई का ना पता अभी चला दूंगा पे का भेज रहा है टाइम बताई भाई का जानी पता नहीं अरे कुछ बताई बात तुम ना क्यों जानी पूछला पे भड़का तवा अरे भड़का मारता ढका उसके खटिया भी काट देंगे हमको लगा था पास काटे खाती बाबूजी परेशान है कब से कह रहे ना रे बात यार बेटा बेटा अच्छा पास चाहता तो कदरा तो कटवा देलो होते पास तोर बास मती ना टाइप पराई ऐसे गचर गचर एक एक पूछता है भेजला का है अरे क्या भेजा तुमको पता है नहीं ना प्रधान जी हम तो खुद परेशान है सुबह से बस खाली अभी मुंह भी नहीं धोए ब्रश भी नहीं किए खाना भी नहीं कुछ भी नहीं खाए बस निकाल के आज काटब तो आज क्या क्या डालक मारे थे और ना रही बास ना बाजी बास बांसुरी पता नहीं का बांसुरी कौन का अच्छा, लेके आएंगे ये कुछ ना पता है क्या भेजले हम अरे का भेज रहा है कौन गुंडा बदमाश भेज रहा है अरे इन्हीं से पूछो भेजला 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 कर रहे रात भर याद क्या भेज रहे भैया गाय भेजला को मच्छर के भेज पाई मच्छरवा के ना ना कहतवा हां बैठा बैठा ला बैठा ला प्रधान जी जिंदगी खड़खड़ाती हर रात ही आ जाती है तो कर रे तो भैया मारो अरे मारो खिया मारो खिया खिया मार भाई बताओ कर दे ला के बात ले ला के बात जो ना मार मत पूरा काट दे भाई ने ओके पूछा अरे भाई पुरनिया आदमी हवा इतना गरम होवत लइकवा का करिए को हम तो जब पैदा है भाई तब्बे से गरम है गरम हवा तो ये बता कि कवन जी भेजला है सही तोरे घरे के इतना टेंशन में तू हवा भेजला काहे है दुश्मन हमार काहे भेज दे अभी दुश्मन के देख के काहे भेज रहा है ए बाबूजी बताई बाकी नौटंकी कैले हवा तू कबे से हमरे दुआई डांटे के ना नौटंकी करते सर रात भर तू पड़िया के साथे सुत गईला हम रात भर सार कहीं के सुतना पन्ने खाली पैसा वैसा ना हक हक देले रे अरे पैसा 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 बता दे रे हवा अरे भाई साहब आके वाला लोग थे साड़ ओढ़ाई ललका तोर माई आला नहीं तोर माई साड़ी आई है सार कहीं का उसको बेचारे को पीटे जा रहे हैं काम का है अरे भैया का बेचले अरे काम का है बेचले अरे का बेचले अरे काम का बेचले पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ जुड़ जाओगे चिपक जाओगे क्या खड़े हो जाए दाई पजाई आई हम पजाई ले सुना पहले तन साहब दिल थाम के हम क्यों के जा जलाते तनी शांति से बात कर जला ना के मार दे भैया तो हम पूरा जिंदगी बदल था मार के जेल जइबा हम जेल ना हम आत्महत्या करवा लेबे करे चलते ई काहे बेजला अरे बाप तो के क्या माने कान फाड़े दे रहे उनके काहे पागल है मारूंगी ना माई का दूध पिए लेते आज रास्ता में
अगर ना काट दे नहीं तो घचार फचार घचार तो बमबिलार का पीले हो का बमबिलार का तू पीले हो कटाई बाबू कटाई एक दिन के घरे भेज दे रे अरे कहां भेज दे तो आज तक आज के बाद दो को मर्डर एगो कैंसिल हो गल खाली एगो रही वो झिंगना का दुश्मन का जान पावला मर्डर आपके बीच में बोलते हो जी मार खाने के लिए पंजाबी घर है बता यो कह थाम ना जल्दी का भेजले है तोरे लेके वो कह था हम ना जान थी का भेजले हो ना हम तो यो कह थे कि हम ना जान थी तो भेजले से कौन चीज है रात का मुर्गा बनाइले ओकर महक हमारे कहने आगल रात को सुगंध आगल नाक में लेकर हवा से मुर्गा का एकदम हवा आगल हमारे सुगंध आगल कर मसाला महक आगल अबे भैया रात भर मुंह से लार चुला मरे जाए मदवा एकदम आगे वाला पूरा भारत खड़ा कर दिला तो पहाड़ टूटे लोखा यार ई बताओ पूछा उनसे हवा हवा खरे झगड़ा कर जला हां ते मर जावा त नहीं जाने बाबूजी खत्म बाबूजी अरे ने लंची त हम कह देखबे ना कनी थू ऐसन बाप को कैसन तो हवा ने कह दे महाराज कलरा त तजिया के बना देले रतिन जा हवा ने कहई हवा कैसे मसाला के मा के आल मुर्गा के मा के आल प्याज के मा के आल लहसुन के मा के आल आदि के मा के आल पूरा तेल का पूरा खतरनाक खुशबू बना के पूरा एकदम खुशबू बना के घचाक दे हमारे नकिया में घुस अरे तो बढ़िया ना कि बढ़िया चीज का सेंट तोरे नाके में आ गई रात भर हमारा लार चुअल हम रात भर हमारा रजाई बिंच गल अच्छा इनको खाना था इनको चिकन खाना था दे यार तो रखिए के मांग के खा ले ले दुश्मन रहे दुश्मन दोस्ती में बताइए तुहार रजेश मसाला ना डाले रहा रजस मसाला ना रहा कौन पीस के सीली पर डाल ले रहा अच्छा ये बतावा चुप चुप मर दे चुप तो ये बतावा हवा के ऊपर ले की पानी नहीं तो अपन अपन घर में बनावे हवा कहाँ छोड़ ला अरे तो हम अपनी घर में ना बना उतरा नहीं चला हम अनु को बोरे बनाओ के हम बेना उको बोरे आई चला तू बना ये क्या 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 है ये सारी ऐसे लगा के बनाए अरे हवा क्यों ना बन ले देखिया हवा कल कलिया लिया मुर्गा लिया मछली कहीं में बनाई अब पूरा गांव भर खुशबू जाई अगर के ओ माई का लाल अगर कह देला कि बुढ़ो बने ले आप ओकर बात हां आज ही बस साहब ये बोले खर्द में बिचा जी चुप का बेचले एकदम बोलते जी वही में सेंट छिड़क छिड़क बना बाबूजी कुले का बेचले तू हूं अपने घरे बनावा तू माकावाई माकौले त का लड़ाई करे तो मैंने कहा किया ये तना बनाई हां ये तना बनाई पर के ओ अगर गांव में सूंग लेला तो वो के काट के नाक काट बका तो मैं सूंग तो मेरे बिना काट दे क्या आई अमन कर ना दूसरे के उगा अपना काट लोगे ना सूंग आऊं ना देवा क्यों क्यों कैसे सूंग ले यार बनाई बात तुमने कौन से है ये मरेगा फालतू में बोल रहा शांत रहो रे आवाज से पूरा जा 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 ये एकदम जिद्दी लड़का है अरे जीना अरे मत बोले फिर आज छोड़े बैठा पहले अरे तू जानत हवा कि वो एक नंबर के आगे है वह सोचा कि हवा से झगड़ा करे वाला आज देख रहे अरे हम के कहा देख ले यार देख ले बहुत बच के रही है बार बार जो एक मार दे घोड़ा छोटी छोटी पाट पुर जा पिचुक जी अरे प्रधान जी चलाओ देख ला प्रधान जी देख ला कहली हम तो अरे आम माऊ देखा दे मुर्गा का पूरा महक मुर्गा का महक दिखाई मत देखा देखा भाई तो वो चप्पल पहन के खटिया पे बैठा है हद है हद के लिए भाई अरे प्रधान जी अपने घर में कुछ हो मना है दुआरे पता है नंगा खुदा से भी बड़ा नंगा सबसे बड़ी यार होना तन उसे बच के अपन कैसो जिंदगी बचा ला आज तो बच गई ला नहीं तो फिर कोई रेत देले होता बड़ा डेंजर आदमी हो ठीक ना अरे प्रधान जी डेंजर आदमी चलो चलो घर में कुछ हो भी बनाए अरे तो तन से बच बचा के वही में नहीं तो फिर ले लिए जिंदगी यार बच बचा के चलो सुनिया आज चल के अमर बजा बन होइबे ना नमस्ते प्रणाम सभी ओके गाइस यहाँ पे यार ये वीडियो खत्म एंड माय गॉड पूरी वीडियो में मतलब शुरुआत से केवल एक ही बात वो बुढ़ऊ जी बोले जा रहे थे
कि ये क्यों भेजला मतलब पहले तो भेजले जब कर रहे थे तो मेरा थोड़ा सा मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या रहे हैं। बाद में मतलब समझ में आया कि हाँ कुछ चीज़ इनके घर भेजी गई है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है, उसके बाद जब बाद में सस्पेंस खुला कि अबे वो अपने घर में चिकन बना रहा था, उसकी महक उनके पास चली गई, बुढ़ऊ दादा के पास, और उस महक से उनकी लार टपक रही थी, तो इसलिए वो उसको मारने दौड़े। आई मीन यार, इसको बोलते हैं ना कि वो, इसको क्या बोलेंगे भाई, ऐसे लोगों का क्या कर सकते हो जो मतलब क्या बोलते हैं, बिना बात के लड़ाई कर रहे हैं। भाई अपने घर में है, वो कुछ भी करे, कोई क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, अब तो मतलब अब क्या बार में चिल्ला रहे कि हम भी बनाएंगे, हम भी खाएंगे, और हम भी उसके बाद देखेंगे कि मतलब कैसे तुम सबको जलाएंगे। मतलब फालतू के बेसिल पैर की बात है ना, तो ऐसा होता है कभी कभी भैया, पुड़ौती में दिमाग जो है वो सटक जाता है। ठीक है, तो यार आप लोग मुझे ये बताओ कि रिएक्शन कैसा लगा इस वीडियो का। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।